गल मान ले सोनिए 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 वक होवे प्यार पीर कट होनिए मेरी मन मोनिए चल सारे खेड़े हुण तू चल नहीं मेरे नाल आज मेरे बेड़े सोनी चल दे माही वाल मैं जाना दिल नू पाना चन दे चाननी ले जवे नाल मैं जाना ढोल ना तू चल नी मेरे नाल फिर बाना जो भी आना कौन वेखे मेरा हाल मर जाना रह जाना है लेखा लिए वो हुआ ये कि एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी हाँ। एक सौदागर मरने वाला होता है तो अपने सब बच्चों को बुलाता है गरीब बुलाता है और कहता है कि एक उसके हाथ में गठी सी होती है चार पांच है ना लकड़ियों की वो कहता है तोड़ के दिखाओ उसको तो टूटती नहीं है अब कहता है एक एक करके तोड़ो तो टूट जाती है तो फिर वो मर जाता है सौदागर मर जाता है और वो बच्चे जो हैं उससे ये मैसेज लेते हैं कि यार हमें एक साथ रहना चाहिए तो वो सौदागर कहीं था नहीं कहीं पहले मर गया था बताए बगैर कि करना क्या है तो ये सब जो चारों लोग उल्टे हाथ पे बैठे हुए हैं ये कुछ अरसे तक अलग अलग रहे और फिर लगता है कि सौदागर आपकी जिंदगी में मोटी मोटी लकड़ियां हैं वैसे अकेले भी वैसे बाय तो मैं एक बड़े मजे की चीज ये जवाब वैसे कहता है कि ये हम कहेंगे ये सौदागर बहुत सौदागर मैं हूं हां सौदागर ये वैसे मैं सलाम नहीं किया अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप क्या हाल है जी नूरी जो है एक बार फिर एक साथ बैठा हुआ है वही शक्लें आप देखते हैं बीच में जो दो एक मिसिंग थी वो दोबारा शक्लें ऐसे बोले ना ऐसे यहां से वही फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेट जो है थोड़े से ओवर वेट है आप देख सकते हैं सवाल गंभीर है कैसे गंभीर आप क्या हाल है मैं वैसे का वैसे ऐसे का वैसे वेट के हिसाब से वेट बस कहाँ रह गए थे आप बीच आप कहाँ रह गए मैं तो यही मैं तो यही हम भी यही ये किसके दिमाग में है क्योंकि मैं जिंदगी भर सोचता रहता हूँ कि यार जुनेद जमशेद कभी बेशक दाढ़ी की जमीन ये तुम्हारे से ऑब्सेशन है ना आज हम कोई और बात कर रहे हैं नहीं नहीं ऐसा मैं भी सोचती हूँ जैसे मैं जब वॉइल साइंस को दोबारा गाते हुए देखूंगी तो शायद मुझे बड़ा मजा आए फिर मेरा मैं आप लोग की भी लाइक नहीं नहीं हम सोचते हैं कि जुनून दोबारा एक हो जाए हम सोचते हैं कि शफकत और वो लोग भी एक हो जाए और हम कभी नहीं सोचते कि हारून फखर एक हो हमेशा सोचते थे अलग अलग लेकिन हम ये हमेशा सोचते थे कि आप लोग भी एक हो जाए और मिलाकर आप हो गए तो अब ये किसकी दिमाग में बात आई मोहम्मद अली जाफरी से स्टार्ट करते हैं गंभीर और अली नूर मिले मिले और फिर कहाँ मिले मिले And then I think that was the starting point. बाबा तो नहीं बाबा तो होगा ना restarting point. संजना ने हम सबको मिलवा दिया basically. हाँ. कैसे मतलब किसी जहाज वो इससे ऑब्सेस हो गए वो कहते रोज कहती गंभी को फोन करो गंभी को फोन करो गंभी को फोन करो तो बस थोड़ी दिनों बाद मैंने कहा इतना फोन करवाना तो बुला ही लो अब से वैसे भाई जब कुछ रूल्स मैं बना रहा हूँ एक मैनेजर होता था ना आपके साथ याद है और कितने मैनेजर बदले तो अब से मैं मैनेज करूंगा आपको और रूल्स ये है कि कैप्टन चेंज होगा इस दफा मोहम्मद अली जाफरी कैप्टन है बिल्कुल यही सोच के आए थे और जाफरी गंभी और अली नूर कभी कैप्टन नहीं होंगे गुड वन चलो जी डूब गया सीन ये बाहर से जो मैनेजर ने ये बात बोली सही है एग्री अली मैं नहीं होऊंगा इन तीनों के दरमियान फैसला हो जाएगा लेकिन मैं 100% नहीं होऊंगा अब पहले आप थे हाँ पहले ये पहले अली नूर फ्रॉड ओके ये जो नूरी का म्यूजिक है ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आज से कोई 8-9 साल पहले मैंने बहुत अरसे बाद मैंने गोरों को देखा था यूरोपियन बैंड्स या अमेरिकन बैंड्स में जिसमें लड़कियाँ बाकायदा मरते हुए मैंने देखा फिर बाद में आते हुए अली जफर आए वो एक अलग कहानी थी लेकिन उससे पहले जो वाकई जिसका मैंने देखा कि क्रेज
दुनिया में पाकिस्तान में खासतौर पर वो एक बैंड से जुड़ता है बैठा हुआ है नूरी, और इनको देख के बहुत सारे बैंड आए, इनको गाते हुए मुझे अच्छी तरह याद है आतिफ असलम जब स्टार्ट कर रहे थे तो वो एक यही गाना जो तुमने स्टार्ट किया है वो एक कवर तो यही गाया करते थे हमेशा, पक्का पता नहीं अब गाते नहीं गाते मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो मशहूर नहीं थे तब तक वो ये पक्का गाना हर कॉन्सर्ट पे गाया करते थे। तो इतना लंबा सफर है, क्या रिग्रेट्स हैं बीच में जो आपने मिस किए साल पांच चार पांच साल वो, या अभी कहते हैं भाड़ में जाए वो साल हम फिर आगे शुरू करें? रिग्रेट्स का वर्ड मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मुझे ये मेरी जिंदगी में मिस नहीं करता। इनसे आप पूछ लें, इनसे पूछ लें, हमदा से पूछ लें, हमसे गंभीर मेरे आगे तो कोई नहीं, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। नहीं एक्चुअली ऑफ कोर्स रिग्रेट्स हैं, व्हाट 5 इयर्स 4 साल 4 साल 4 4 से 5 साल 4 साल गंभीर नहीं था और 6 साल 6.5 साल 6.5 साल गंभीर, हां और 7 साल से मैं नहीं था 7 साल। यार वैसे देखा जाए मानी तो हमारे साथ डे 1 से, मतलब अगर रहा है जो जिसने हमारे साथ जिसे कहते हैं ना ट्रैवल भी किया, इधर ट्रैवल भी किया और जो मेन हमारा मैस्कॉट रहा है अगर देखा जाए तो, और भी थे बहुत सारे छट गए, और भी थी मगर छट गई थी मगर आई थिंक जो एक एक मेल बॉन्डिंग है वो चलती है, अच्छा, सेफ होती है। वो होता ही है कि जब आप शुरू में आते हैं तो आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, जाफरी के साथ नहीं होती सेफ तो। देखो उसकी डोरमेंट फीलिंग है, डोरमेंट डोरमेंट भाई दे भाई, ये तो आजकल लोगों सेलेक्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं, जज है भाई आप, एक एक कोई बैंड आप सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, टेलीविजन देखते हैं। अच्छा इस दफा क्या क्या रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है जाके बाहर और फिर वापस आ सकता है, कोई रूल्स नहीं है यार, कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं, अब नहीं रूल्स, पहले थे तो टूट गए थे, अब नहीं होने चाहिए रूल्स, पहले कोई रूल्स थे ना, इस दफा कोई रूल्स है। और क्या कहते हैं ये देखो 7 साल से इसने इसका भी अपना एक सीन एस्टैब्लिश हो गया, इसका पूरा एक प्रोडक्शन हाउस रन कर रहा है, इसने अपना एक स्टूडियो शुरू किया हुआ है डे वन से, इसने भी अपना एक वो रिकॉर्ड लेबल खोल लिया। मैं रेलू करता हूँ, हमने शादी कर ली है, मुझे भी तो बोलने भाई, मैं अपनी कहानी आपको सुनाती हूँ। मैं जब ये नूरी भाई आए थे, ये सारा बैंड आया था, तो मेरे कान में होते थे वॉकमैन और मैं हेडफोन सुन के एक कोने में बैठी होती थी और मैं सारे गाने लिरिक्स लिख लिख के याद करी होती थी। फिर मुझे बताया किसी ने कि सुनो वो नूरी का वो हो रहा है, कौन बनेगा नूरी? मैंने कहा अच्छा, मैंने तो जो मेल्स करनी शुरू की तो 15-20 मेल्स, मगर मुझे उन्होंने बुलाया नहीं। मेरे अब्बू बड़ा सड़ते थे कि तुम ये क्या गाने सुनती रहती हो, तुम्हारा कसूर है, चॉइस तुम्हारी थी लोगों को बुलाने ना बुलाने की, मैंने सारी चॉइस तुम्हारी थी, क्या बात कर रहे हो मानी, फोटोग्राफ अच्छी नहीं थी यार, व्हाटएवर, फोटोशॉप नहीं आया था, सारा खेल है ना, फोटोशॉप नहीं आया था, तो फोटोशॉप से पहले की बात है, उसके बाद फोटोशॉप आया बगैदा अच्छी तकरीर हुई ये वो अरे ये बड़े बाय द वे ये तो बाय द वे लड़कियों के जो दिलों पे आप लोगों ने राज किया था उसमें से एक लड़की मैं भी थी कि अच्छा। मैं बाकी सोच रही थी और एक दिन तो मैंने ख्वाब में भी देखा था हमारी छत पे नूरी बैंड आया है और मैं उनके सामने गा रही हूँ, बोल रही हूँ अली भाई मुझे प्लीज एक गाना गाने दे, तो ये वाला सारा चक्कर था। अब बड़ा अजीब लगता है मगर अजीब लगता है, मैं भी इनकी फैन हूँ और हमेशा रहूंगी, तो इसलिए जब आप लोग अलग अलग हुए थे ना तो सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ था। नहीं ऐसे हजारों लोगों में आपने दुख को की बात आप छोड़ा, खुशी की बात बताएं, आप कैसा लग रहा है? खुशी की बात है कि आज हम जैमिंग, अब हम आज हमारे जैमिंग सेशन की पहला सेशन है यहाँ पे नूरी का, जो कि एक साथ की बैठे हुए हम लोग भी यहाँ बैठे हुए, ब्रेक पे जाने से पहले हम एक अदद गाना ऐसा सुनाएंगे जो कि बिल्कुल एक नया गाना होगा, अभी आप लोगों ने कहा था कि अच्छा पुराने अच्छा है गानों से ज्यादा बातें करते हैं, बातें तो हम गाते ही रहते हैं, गाने कहाँ गाते रहते हैं, अरे गाने बहुत होंगे, देखिए हमने आपने एक एक अदद गिटार बेचारा परेशान कुन गिटार था टाइम, शादियां सबकी हो गई हैं इधर, अली नूर की शादी होगी, जाफरी तो शादीशुदा थे ही, मैं उस वक्त भी थे, हमजा ने शादी कर ली, अली नूर आपने पता नहीं दुनिया भर में घूम फिर के आपने फिर शादी कर ली, और जिनसे आपने मोहब्बत के इरादे और वादे किए थे वहीं शादी की आपने, आपने भी वही किया? मैंने भी वही किया, आपने वो नहीं किया? परसों शादी वाले दिन मुझे कोई मिली थी किसी शादी में लड़की, अच्छा सही है, आप बताएं क्या नाम है कि बिल बिल आखिर एक रॉकस्टार की शादी करना जरूरी होता है? पहले शादी कर ले तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसका जवाब ये देगा गंभीर से पूछा गंभीर, आप नहीं, अली अजमत ने भी नहीं की जी, अली अजमत ने नहीं की, उनके तो सारी गेट उधर गई है, मेरा रोल मॉडल है वो, बिल्कुल हम सकते हैं, लग रहा है इसलिए तेरे सर पे इतने बाल आ गए। फिर हमजा आपने भी शादी कर ली, लव मैरिज थी कहाँ अचानक से, आज मतलब मेरी लव मैरिज स्पाइस डालना था ना शुगर,
यार मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। तो हमने भी देखा है माशाल्लाह। बस एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम बहुत सैड रहते हो तो तुम्हें एक मैं लड़की से मिलवाता हूँ। उससे पहले आप दो दफा घर से भाग चुके थे? दो दफा घर से नहीं, तीन दफा। तीन दफा। एक दफा तो ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि अली हमजा मिसिंग है, तो मैंने कहा वो किसी बस में बैठे हुए नहीं जा रहे होंगे ना। बिल्कुल आपने सही सोचा। परेशानी नहीं, मुझे तारिक कुरैशी ने बताया ना, फ्रेंड बी एड जो नहीं है जो यूफोन के एड्स भी करते हैं, उन्होंने बोला अली हमजा अभी पता है नहीं है, तीन पता पाँच दिन से घर से बैठे ना, वो हो गए बस में मियाँ वाली में गई लोरा लाइन में। लोरा लाइन। तो फिर वो कैसे मिली आपको लड़की, वो आपकी हुसन की शक्ल? मैं वापस आया थे, मैं सामने बस से उतरा था, एक लड़की खड़ी थी। सही वाला केस है। वो भागती भी आ रही थी। नहीं यार मिली, हम लोगों ने पसंद कर लिया, क्लिक्ड इन 5 days टाइम, 5 दिन में डिसाइड कर रहे थे शादी करने से, और 1.5 साल लगा शादी होने में। डेढ़ साल घर वालों से मसले थे या वैसे ही? हाँ थोड़े से थे उनके घर वालों की तरफ से। ऑब्वियसली क्या कहते कहते सिंगर से शादी? हाँ सिंगर है, बस बहुत सारे और बहुत चीजें, बहुत और एक और जुमला भी कहते थे। होता है ना, खैर छोड़ो, जब हो जाता है तो फिर वो देखते हैं प्रोग्राम, जरा ख्याल से रहते हैं। साल में आप सोशल हैं या नहीं है, आना जाना जो होता है नॉर्मली पाकिस्तान में, कुरमे बिरयानी की दावत और ये वो वगैरह? हाँ बहुत, वो एक दफा शादी हो जाए तो फिर जो आपके शादी के बाद देख रहा हूँ मैं। एक बंदा सिर्फ भाग रहा होता था, जब भी फोन करता है यार मैं भाग रहा हूँ, अभी मैं पार्क में हूँ, बाद में फोन करना। फिर फोन करो, अभी मैं पार्क में हूँ, बाद में फोन करना, और उसके बाद फोन ही नहीं उठाया। उसके बाद फोन नहीं। अब आप बाय द वे फिर स्लिम होंगे? अल्लाह करे, अल्लाह करे। या वैसे मुझे बड़ा हैरानगी होती है कि जब पहला गाना था स्लिम होने का, वो वाला था कौन सा जो आप सब लाइन से बैठे हुए थे, कौन सा गाना था? बोलो ना, नहीं 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 बोलो ना, नहीं वादे हैं इरादे, नहीं नहीं गाना नंबर वन, गाना नंबर वन, गाना नंबर वन। हाँ उसमें सब इतने स्लिम सारे, और एकदम टाइम कैसे गुजरते हो, सारे वेट गेन कर लेते हैं। ऐसा ही होता है आपके साथ भी? होगा नहीं, मेरे साथ नहीं होगा भाई, आप अपने इनके साथ तो हो गया। जब रॉक ये तो, ये तो इधर इनके साथ हो। आप क्या बात कर रहे हैं, सबके साथ मुझे स्ट्रेटजी क्या होती है आपको? मैंने यासिर नमाज बड़े अच्छे एक्टर हैं, एक दिन वो बैठ के किसी को इंटरव्यू, नादिया खान या पता नहीं किसको, शायद सब इंटरव्यू दे रहे थे, थ्रू आउट द इंटरव्यू उन्होंने यूं करके ना यूं रख लिया, अब बताएं। तो मैंने यासिर को मैसेज किया, मैंने यासिर ये तरीका बड़ा अच्छा पेट छुपाने का, अब बता प्लीज। एक सेकंड अब बता, अब नहीं अच्छा है गम्मी, मैं शर्ट के अंदर डाल दूं तो मैं खड़े हो जाऊं। ओके जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको जाएंगे, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल करेंगे कि बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आपके लिए, और मेरे पास आज का सवाल है कि गम्मी का असली नाम क्या है, माइकल बारबोसा, लुई जॉन पिंटू या एंथनी गोंसाल्विस? आपने हमें कॉल करनी और हमें बताना है कि इनका असली नाम क्या है। लुईस जॉन पिंटू रॉबर्टो कार्लोस, नहीं नहीं माइकल बारबोसा, माइकल बारबोसा, माइकल क्या बारबोसा, तुमने नाम ही रखा यूसुफ अली, कौन गालियां? एंथनी गोंसाल्विस जी जी, इनमें से कोई एक नाम है, अगर आपने आपने सही नाम गेस कर लिया, वाकई में ये ऑडियोनिक के बहुत सारे जो है यहाँ पे पूरा एक मेला लगाया हुआ ऑडियोनिक में, तो आपके घर में अगर स्पीकर्स की कमी है, आपके घर में अगर बहुत सारी ऐसी चीजों की कमी है, तो ये यहाँ पे मौजूद है। आप मेरे घर में स्पीकर की कमी है, आप उसे गिटार ले जाइए, धुन में मस्त हो जाएं ऑडियोनिक के साथ। तो एक काम करें, आपने भेजना है एंथोनी गोंसाल्विस, माइकल बारबोसा, कैसा नाम है, लुइस जॉन पिंटू, रोबर्टो कार्लोस, चार नाम है, इनमें से कोई एक नाम तो कंफर्म इनका। नहीं किया था ये गाना, गाना 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 वादे हैं इरादे हैं, हमसे पूछो तुम जो दिल की बातें हैं, हमने जो राहें चुभे काटे हैं, सुनी रातें साए थे परछाइयों में क्यों मैं खोया, तारे थे अंदर